दोस्तों, कार की सवारी को हमेशा से इंडिया के अंदर शान की सवारी माना जाता रहा है, लेकिन अगर आप अपने इस एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गैजेट्स सजेस्ट करने वाला हूं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी कार के साथ। तो चलिए देखते हैं कि 5 गैजेट की इस सीरीज में कौन से गैजेट एकदम टॉप पर रहते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, रायोबी प्रेशर वॉशर वाटर बूम। दोस्तों, कार की धुलाई सफाई अगर होती रहे तो उसका बॉडी सालों साल तक चलती रहती है। आपको उसमें पेंट वेंट कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसके पुर्जे भी सही तरीके से काम करते रहेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाहर की तरफ से कार जितनी साफ दिखने में लगती है, लेकिन अगर हम बात अंदर की तरफ की करें तो उतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ काफी ज्यादा डस्ट वगैरह लगी होती है जिससे कि बॉडी जंग खाना शुरू कर देती है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं धुलाई के लिए इस तरीके के गैजेट को। दरअसल ये एक ऐसी वाटर नॉजल होती है जो कि खास तौर पर गाड़ियों के नीचे के पोर्शन के लिए बनाई गई है, क्योंकि नॉर्मल धुलाई में गाड़ी की नीचे की तरफ की डस्ट वगैरह नहीं साफ होती है, लेकिन इसकी मदद से ये काम आसानी से किया जा सकता है। इसमें 3 वाटर नोजल लगी होती हैं जो कि जेट स्प्रे करती हैं और काफी अच्छी तरीके से आपकी गाड़ी को नीचे से साफ करेंगी। तो अगर आप भी घर पर ही अपनी कार की धुलाई करते हो तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। एयरबैग जैक। दोस्तों, अगर गाड़ी का पहिया किसी गड्ढे वगैरह में फंस जाता है या फिर दलदल वगैरह में फंस जाता है तो उन्हें जैक लगाकर हमें निकालना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक जैक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगाने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस कम से कम चाहिए होता है जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके, और अगर दलदली जमीन वगैरह होती है तो ऐसे में जैक लगाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के एयरबैग जैक को, जो कि काफी ज्यादा असरदार रहेगा ऐसी सिचुएशन में। दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके का एयरबैग होता है जिसके साथ आपको अलग से इन्फ्लेटर मिल जाएगा। बस आपको इसे अपनी गाड़ी के नीचे रखना होगा और जैसे ही आप इन्फ्लेटर से हवा भरते हैं तो ये आपकी गाड़ी को ऊपर की तरफ पुश कर देगा जिससे कि आसानी से पहिया बाहर आ सके। हालांकि ये एक तरीके का जुगाड़ होता है जिसकी मदद से आसानी से गाड़ी को निकाला जा सकता है, लेकिन अगर सरफेस फ्लैट होता है तो इस तरीके की चीजें बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी भी कभी किसी ऐसी जगह फंसी हो तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, लैंडमोडो कार टेंट। दोस्तों, कार को सेफ रखने के लिए हम लोग उसमें जनरली एक कवर डाल दिया करते हैं, लेकिन दोस्तों कवर डालने का काम बहुत ही ज्यादा सरदर्द भरा होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसा ऑटोमेटिक टेंट जैसा होता है जो कि अचानक एक बटन दबाते ही पूरी कार को कवर कर लेता, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इस गैजेट को आपको अपनी कार के ऊपर रखना होगा और साथ ही साथ आपको इसमें स्ट्रैप्स दे रखी होती हैं जिसे कि आपको अपने कार के दरवाजों में फंसाना होगा, और जैसे ही आप इसके रिमोट में एक बटन दबाते हैं तो ये पूरी कार को झटके में कवर कर लेता है। बड़ा ही मजेदार और ड्रामेटिक रहता है ये करने में। वहीं दोस्तों, आप चाहें तो इस तरीके की टेंट का इस्तेमाल अपने पिकनिक वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। इस टेंट की एक खास बात और होती है कि इसमें नीचे किसी भी रखी हुई चीज का टेम्परेचर बहुत कम बढ़ता है, यानी कि अगर आपकी कार इसके नीचे खड़ी है तो वो धीमे धीमे गर्म होती है। नॉर्मली अगर ऐसे ही आप ओपन खड़ी कर देते हैं या फिर किसी नॉर्मल कवर में डालकर खड़ी करते हैं तो आपकी कार अंदर से एकदम भभक जाती है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप भी चाहें तो एक बार इस तरीके के ऑटोमेटेड कार टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, बैक शील्ड। दोस्तों, अगर आप भी लंबी लंबी ड्राइव्स पर जाते हैं तो आपने अक्सर ये चीज फील हुआ होगा कि हल्का हल्का ड्राइव करते करते बैक में पेन होने लगता है, जो कि आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम भी ले सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज से बच सकते हैं इस तरीके की शील्ड की मदद से। दोस्तों, इसे खास तौर पर ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जो कि उनकी बैक का पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि आप इसे जब चाहें अपनी कार से अलग करके अपनी ऑफिस चेयर पर भी रख सकते हैं। ये आपकी बॉडी के एकदम नेचुरल पोस्चर को बनाए रखती है जिससे कि आपकी कमर एकदम सीधी रहेगी और बैक पर पेन होने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का होता है जिससे कि बैक पेन से बचा जा सकता है। तो आप भी इसके लिए एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। नंबर 1, एलईडी सेफ्टी फ्लेयर। दोस्तों, अगर आप हाईवे वगैरह पर जा रहे हो और रात के समय आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या फिर खराब वगैरह हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीछे से गाड़ियां काफी ज्यादा रफ्तार में आ रही होती हैं और ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से। दरअसल ये एक ऐसी एलईडी लाइट होती है जो कि रोटेट करती रहती है और साथ ही इसमें मैग्नेटिक अटैचमेंट भी लगा होता है जिससे कि इसे आप कार की बॉडी में भी लगा सकते हैं। इस आरजीबी लाइट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको लंबा बैकअप देती है। वहीं इसमें एक छोटी सी बैटरी भी
इनबिल्ट होती है जिसे कि आप अपने कार के डीसी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गैजेट भले ही थोड़ा सा छोटा सा रहता है लेकिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जहां पर ये आपको लगभग 6 घंटे तक का बैकअप देगी। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो इंटरटेनिंग लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।